नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आस्था के पापा सो रहे थे और एकदम 5 बजे का टाइम है। मैं आज जल्दी उठ गई थी उसके बाद मैंने सीधे ही घर की साफ़ सफाई करी, क्योंकि गांव का जो दिनचर्या स्टार्ट होता है वो इसी से होता है कि पहले मतलब सूरज की रोशनी आंगन में आने से पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए। तो वही मैं कर रही थी, सफाई कर रही थी। अब ये जो पूरा आंगन है और उस कमरे, वो जो सामने कमरा दिख रहा है उस कमरे से झाड़ू लगाती हुई आई थी, और ये पूरा ही कमरा जो है घर यानी कि मैं पूरा साफ कर दूंगी। और रात में कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगाई जाती है गांव में क्या कहीं भी कहते हैं कि नहीं लगाई जाती है। तो रात में नहीं करी थी साफ़ सफाई, और सुबह देखिए ये पूरी घर की साफ़ सफाई कर रही थी। और मतलब सुबह का टाइम जो होता है आधा घंटा का टाइम यही काम में मेरा बीत जाता है सिर्फ झाड़ू लगाने में, क्योंकि इतना बड़ा आंगन है जिसके कारण बीत जाता है। और यहाँ पे इस गांव में तो इससे भी बड़े बड़े आंगन हैं लोगों के, मेरे घर से 4 दुगना बड़ा आंगन है लोगों का, मैंने खुद देखा है। और दोस्तों उसके बाद मैं साफ़ कर लेती हूँ बर्तन, सुबह का दिनचर्या है। तो ये देखिए बर्तन ले गई अंदर और बर्तन इसके बाद साफ़ कर लूँगी। रात में थोड़ा लेट हो गया था इसके कारण मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, तो बर्तन धो दिए हैं। और इसके बाद जो है अभी आस्था और आस्था के पापा दोनों ही सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं शरबत बना के रख लेती हूँ और जब वो जगेंगे तो कुल्ला वगैरह करके वो भी खा ले पी लेंगे। तो ये देखिए आजकल सुबह मैं चाय नहीं पीती क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो पुदीना का जो शरबत होता है वो पीना अच्छा लगता है इन दिनों, तो मैं वही बना रही थी क्योंकि गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो शरबत सही रहता है, ठंडा ठंडा शरबत सुबह पिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है चाय की वजह से। और चाय की एक और प्रॉब्लम आ रही है कि चाय मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि इन दिनों चाय बाहर है मेरा चूल्हा, तो चाय मैं जब बनाने लगती हूँ तो उस समय इतनी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं कि डर लगता है कि एक आध दो मधुमक्खी तो लगता है कि चाय में ही गिर जाएंगी, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो इस कारण भी थोड़ा चाय छूट सा गया है गर्मियों में। और सच बता रही हूँ, और 3-4-5 दिन हो गए चाय बना रही थी तो बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खियाँ आ रही थी। ये देखिए दोस्तों, ये दोपहर का टाइम था लेकिन शाम जैसा दिख रहा है क्योंकि हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा और धूप नहीं थी, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी। और उसके बाद तो बारिश वाकई में बारिश हो जाती है, और आंधी चल रही थी बिल्कुल, पेड़ वेड़ वगैरह सब हिल रहे थे। और ये मेरे जो घर के ऊपर का ही मतलब घर के पास ही ये पेड़ है, और ये देखिए दोस्तों हवाएं चल रही थी बहुत तेज़ से, बादल भी खड़े हुए थे और यहाँ पे बारिश आने लगी दोस्तों। और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और मैं इस वाले कमरे में आके जो है सूट कर रही थी, और पानी बिल्कुल जो है आंगन से बह रहा है, और देखिए कितनी अच्छे से बारिश हो रही है, ठंडक आ गया था। तो ये देखिए दोस्तों, इस घर का जो है वो छवाई नहीं हुआ था जिसके कारण जो है हर जगह से देखिए पानी गिर रहा है, और ये देखिए यहाँ से गिर रहा है पानी।
तो ये प्रॉब्लम होती है कच्चे घर मकानों की। और देखिए बारिश भी कितनी हो रही है। कि पानी जो है बिल्कुल बह रहा है और बहुत तेजी के बारिश हो रही है। तो लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो कारण जो है, और यहाँ पे अब बारिश होने लगी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा हर जगह से ही चू रहा है। और जैसे कि आप यहाँ भी देखें, यहाँ भी पानी चू रहा है और इस तरफ भी। तो ये है कच्चे घर मकानों का हाल, बारिश के दिनों में ऐसा होता है। तो जो शहर के लोग हैं उन्हें तो इन सब के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर जो गांव में रहते हैं उन्हें ही पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है बारिश के दिनों में लोगों को। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देखिए किसी का जो मेहनत है ना वो जाया ना जाए। और दुकान घर सब देखने के बाद मैं बहुत मेहनत से वीडियो शूट करती हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो को आप देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए यहाँ गाय माता हैं, उनके लिए मैंने रोटी रख दी थी, क्योंकि रोटी रख के मैं भाग आई थी, मुझे डर लगता है थोड़ा, तो मैंने लाइन से रोटियां रख दी।